मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों पर सभी की नजर टिकी हुई है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच इस सरकार ने कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव के अध्यादेश को रद्द करने का फैसला किया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। दोनों को ही उम्मीद है कि अब नए अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी और राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव रद्द कर देगा। सरकार की माने तो चुनाव आयोग जल्द इस पर फैसला ले सकता है। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कोई छूटेगा नहीं, ओबीसी वर्ग भी नहीं छूटेगा, कोई वर्ग नहीं छूटेगा, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। मैं समझता हूँ आज स्थगित हो जाना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। मुझे पंचायत चुनाव की खींचतान में सत्ता पक्ष और विपक्ष काफी पापड़ बेल चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेशों के बाद मामला थोड़ा उलझ गया था। जैसे एससी के फैसले के बाद ओबीसी आरक्षित सीटों पर फिर से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की याचिका के चलते फैसला आया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर जमकर नोकझोंक हुई। सरकार विपक्ष ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव न करवाने का संकल्प पारित किया। एमपी सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, जहां सुनवाई लंबित है। एमपी सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाकर पंचायत चुनाव के अध्यादेश को वापस ले लिया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। इस मामले में कांग्रेस अभी भी सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े कर रही है। ये कांग्रेस का जो दबाव था, कमलनाथ जी का दबाव था विधानसभा के अंदर कि मैं ओबीसी के चुनाव होना चाहिए, और ये तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ओबीसी आरक्षण खत्म, उसी दिन अध्यादेश वापस ले लेना था। इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग आपात बैठक ले चुका है। अब आयोग की ओर से लीगल ओपिनियन लिए जा रहे हैं, लीगल ओपिनियन आज हमें प्राप्त हो जाएंगे, उसके पश्चात फिर निर्णय लेंगे कि निर्वाचन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाना है, स्थगित करना है, निरस्त करना है, जो भी निर्णय होगा लीगल ओपिनियन के आधार पर किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार मामले पर विधि विशेषज्ञों की राय ली जा रही है, इसके बाद ही इस पर कुछ फैसला हो पाएगा। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज।